पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, या पासपोर्ट साइज़ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो चुका है। इसके बाद पेपर साइज़ लिखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक सिंगल फ़ोटो, इसके बाद 3.5 ये करेंगे तो ये इतनी फ़ोटो आ जाएगी। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लैपटॉप वाला। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है उसे बिल्कुल 2 मिनट में कैसे बना सकते हैं। आप फ़ोटोशॉप में तो आपको याद ही होगा फ़ोटोशॉप में कैसे बनाते हैं, पर कभी आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई ना, आपके पास पर्स भी नहीं है, उसमें फ़ोटो नहीं है दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपके मोबाइल में एक फ़ोटो होना चाहिए, उसके लिए आप फ़ोटो का इस्तेमाल कीजिए उसका, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बना सकते। ये दोस्तों ये वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था दोस्तों। देखिए आज मैं रात के 11 बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो और क्या अपलोड करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए अपना। यहाँ आने के बाद यहाँ पर सर्च करते हैं कटआउट प्रो। ये कटआउट प्रो सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा कटआउट प्रो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइए दोस्तों पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये लिंक की मैं आपको है ना लिंक आपको है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। और इसके बाद यहाँ अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना जो भी फ़ोटो है आप जिसमें आप सीधा देख रहे हो वो फ़ोटो ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ से ये वाला फ़ोटो सो आपको डेमो के लिए बता देता हूँ, ये यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ मैं फ़ोटो। चूज़ करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है किस, और ये यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ इसका। और ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पर। इसके आने के बाद देखिए ये यहाँ सर्च साइज लिखा है दोस्तों, तो यहाँ सर्च साइज में आने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया डाल देना है सबसे पहले तो इंडिया। तो यहाँ पर ये साइज़ आ जाएगी आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, या पासपोर्ट साइज़ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो चुका है। इसके बाद पेपर साइज़ लिखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक सिंगल फ़ोटो, इसके बाद 3.5 ये करेंगे तो ये इतनी फ़ोटो आ जाएगी। 5 फोटो जितनी आप चाहे कॉपी ले सकते हैं। मैं इंडिविजुअल फर्स्ट के लिए बता देता हूँ, 1 फोटो के लिए सिंगल। इसके बाद बैकग्राउंड आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है जैसे कि कोई सा भी बैकग्राउंड, मेरे से मुझे पेन है ये वाइट ही अच्छा लग रहा है, या फिर मैं ये ब्लू रख सकता हूँ। इसके बाद आपको इसके क्लोथ चेंज करने हैं कपड़े, अगर तो जेंट्स है तो ये जेंट्स के कपड़े आपको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर देता हूँ। ये करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस होने के बाद देखते हैं। ये मेरा नेट स्लो चल रहा था, ये देखिए ये इस टाइप से हो चुका है। आप ओरिजिनल भी रख सकते हैं या आप अपने हिसाब से देख लें, या वुमेंस कैटेगरी दे रखा है या चिल्ड्रन कैटेगरी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद हम डन पर क्लिक कर दें, और डन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये इस टाइप से आ चुके हैं हमारे फ़ोटो। अब यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दें। इससे पहले दोस्तों डाउनलोड पर आप क्लिक करें, जब भी आप ये इसके कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है। इसके विदाउट आप लॉगिन विदाउट आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपनी जीमेल से लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो ये डाउनलोड HD में डाउनलोड हो जाएगा हमें। ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है, अब इसे ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 मिनट में तैयार हो चुका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।